5 जुलाई 2020 को उपछाया चंद्र ग्रहण है। दिव्य पर्वों में ग्रहण का भी विशेष स्थान है। नियम एवं संयम के साथ स्नान, जप, तप और हवन यज्ञ के द्वारा बाधाओं की निवृत्ति एवं सुखों की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। ग्रहण के समय मंत्र दीक्षा या सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि इस समय मन कारक चंद्र, आत्म कारक सूर्य, पंच तत्वीय शरीर कारक पृथ्वी तीनों एक ही तल पर एक ही लय में होते हैं। आइए जानें ग्रहण काल में किन बातों का ख्याल रखें। मन तथा बुद्धि पर पड़े प्रभाव से लाभ उठाने के लिए जप, ध्यान आदि का विधान है। ग्रहण के समय किए गए जप, यज्ञ, दान आदि का सामान्य की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व वर्णित है। ग्रहण के समय स्त्री प्रसंग से नर नारी दोनों की नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है। अनेक बार अंधे होने का भी भय हो जाता है। इस प्रकार ग्रहण का प्रभाव तर्क एवं परीक्षण से भी सिद्ध है। ग्रहण काल में मनमाने आचरण से मानसिक अव्यवस्था और बुद्धि विकार तो होता ही है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य की भी बड़ी हानि होती है। अंततः इस संबंध में सबको सावधान रहना चाहिए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण आरंभ के 9 घंटे पहले से ग्रहण का सूतक प्रभावी हो जाता है। उस समय जो घड़े में भरा जल या भोजन रखा हो वह भी फिर उपयोग करने योग्य नहीं होता। ग्रहण के समय भोजन आदि करने से अनेक रोग होते हैं, इसलिए आहार आदि अनेक कार्य वर्जित है। बालक अशक्त आदि पथ्य आहार शाम 5 बजे तक आवश्यक होने पर ले सकते हैं।